Dear students, at the starting of academic session 2020 and 2021, I, Mr. Parasnath Shukla, lecturer in English from Bhagavati Prasad Mujhar Intermediate College, want to teach you on mobile about the first lesson of the prose A Girl with a Basket. So you are advised to pay attention to my words. Your first lesson started is A Girl with a Basket. Try to listen to me very carefully. On this day, I am going to teach you about A Girl with a Basket. Once, William C. Douglas, who was a judge of the Supreme Court of the United States of America, was traveling to a passenger train in the year of 1950. At that time, our country India was facing the refugee problem. There were many types of people. When the writer was traveling through the railway train, in this lesson's first paragraph, the writer gives a lively narration of what he saw of the refugee children while traveling from Delhi to Rani Khet. Now, I am going to give you a model about the first paragraph of this lesson. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Rani Khet, and to British Army Hill Station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked down the cliff path. First of all, I, your lovely teacher, will tell you the Hindi about the Hindi translation of this question. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं अर्थात लेखक स्वयं, मैं स्वयं लेखक अर्थात विलियम सी डगलस अपने लिए कह रहे हैं कि had left New Delhi, नई दिल्ली हो चुका था, नई दिल्ली से प्रस्थान कर चुका था फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर की यात्रा को आरंभ करने के लिए. मैं लेखक स्वयं हिमालय तक की अपनी यात्रा को आरंभ करने के लिए नई दिल्ली से रवाना हो चुका था. आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मैं अपने निर्दिष्ट स्थान को रेलगाड़ी के द्वारा बरेली तक जा रहा था एंड देन बाई कार टू रानी खेत. और तब रेलवे की यात्रा करने के पश्चात मुझे कार के द्वारा रानी खेत तक यात्रा करनी थी, अर्थात रानी खेत तक मुझे जाना था. एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन एक पुराना
एक पुरानी अंग्रेजी छावनी जो एक पहाड़ी पर स्थित थी। एक पुरानी अंग्रेजी छावनी जो एक पहाड़ी पर स्थित थी। लोकेटेड ऑन 6,000 feet विद अपोजिट 120 mile स्टेट ऑफ स्नो कैप हिमालय। ओ 6,000 feet एक लंबी पर्वतीय श्रृंखला वाली 6,000 feet की ऊंचाई पर वह ब्रिटिश छावनी स्थित थी। अपोजिट जिसके सामने एक 120 mile स्टेज ऑफ स्नो कैप हिमालय 120 mile की दूरी तक विस्तार के साथ बर्फ से आच्छादित हिमालय दिखाई दे रहा था। द ट्रेन वाज़ स्लो। जिस रेलगाड़ी से मैं यात्रा कर रहा था वो मंद गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। इट मीन्स द ट्रेन बाई विच आई वाज मेकिंग माई जर्नी वाज ए पैसेंजर ट्रेन। रुक रुक कर चलने वाली अर्थात ऐसी रेलगाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन पर पड़ाव लिया करती थी उससे मैं सफर कर रहा था। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक पड़ाव पर प्रत्येक रुकने वाले स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन बच्चों डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा। आई स्वंग ओपन मैं धक्के के साथ खोल दिया करता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने रेलवे के डिब्बे को। अर्थात लेखक महोदय स्वयं अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंचती थी रुकती थी तो मैं उस रेलगाड़ी के प्रत्येक उस रेलगाड़ी के डिब्बे को फोर्सली अर्थात जोर देते हुए झटके के साथ खोल देता था। एंड वॉक ऑन दी प्लेटफार्म और इस प्रकार से मैं प्लेटफार्म पर पैदल चलने लगता था, घूमने लगता था। बच्चों डियर चिल्ड्रेन आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी बिफोर यू। आफ्टर इट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बाइसेप। ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू ऑल। दीज अट्रैक्टिव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इन दिस पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज जर्नी विच वाज बीइंग मेड बाय हिम बाय ए रेलवे ट्रेन। द नेम ऑफ द ट्रेन वाज ए पैसेंजर। हाउ द राइटर वाज गोइंग टू हिज इंडिकेटेड प्लेस इट हैज बीन डिस्क्राइब आउट थ्रू दिस पैराग्राफ। वंस द राइटर स्टार्टेड फॉर द हिमालयाज फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन द वे ही सॉ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन अपोजिट विच देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ स्नो कैप हिमालयस। बाय द राइटर वाज ट्रेवलिंग वाज ए पैसेंजर ट्रेन एंड इट टेक इट्स स्टॉपेज एट एवरी स्टेशन। आफ्टर गेटिंग डाउन ऑफ द ट्रेन द राइटर used to walk on the platform. What was the reason behind it? It is obviously clear that the writer
try to enjoy himself by seeing some special thing. All the things of India looked like a stand. In this way we can say that the writer took the condition of the country seriously. In this way we can end our explanatory notes. You are advised to prepare this paragraph, and if you find any type of difficulty, I will be present before you every time on mobile.